जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पे विज्ञान का पेपर होने वाला आज 3 अप्रैल को 100% रियल वाला पेपर आ गया। आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों आप इस पेपर के माध्यम से यहाँ पर परीक्षा में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाएंगे। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 22 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और समय होने वाला 3 घंटे का। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है और ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप इस पेपर का कोड भी देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए। आपको दोस्तों यहाँ पर इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 8 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प देख लीजिए, केनाले की खोज किसने की, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका आ वाला एक गोल्ड स्ट्रीन, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। दूसरा आपका सही विकल्प देख लीजिए, एक कोशिकी जीव का उदाहरण है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका द वाला अमीबा, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब आपका तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है, तो इसमें आपका द वाला गैस आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका स वाला 16, इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका पांचवा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका ब वाला कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका छठा यहाँ पर सही विकल्प दिया है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होगा, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका द वाला उपरोक्त में से कोई नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पर मोमबत्ती का जलना भौतिक और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए आपका द वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका सातवां यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो वेग मतलब वी में यहाँ पर परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर स वाला त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पर आपका आठवां यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, कार्य का एसआई मात्रक है, तो इसको तो लगा लीजिए। इसमें आपका अ वाला जूल, इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, तो पहले का आंसर लगा लीजिए, पहले में आपका आ जाएगा ए वाला। उसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, दूसरे सही विकल्प में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में लगा लीजिए, तो दूसरे में आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लगा लीजिए द वाला, मतलब डी वाला आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डी वाला आ जाएगा इसमें। उसके बाद तीसरे में आपका आ जाएगा डी वाला और चौथे में आपका हो जाएगा यहाँ पर सी वाला। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पांचवे यहाँ पर दिया है, तो पांचवे के उत्तर लगा लीजिए, तो पांचवे में आपका यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर बी वाला। छठे का उत्तर लगा लीजिए, तो छठे में आपका यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर डी वाला। सातवें का उत्तर लगा लीजिए, तो सातवें में आपका यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर लगा लीजिए, सातवें आपका सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। और आठवें का आंसर लगा लीजिए, आठवें में आपका ए वाला लीजिए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में यहाँ पर 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाला, तो फटाफट इनका आंसर भी लगाते जाना है और आपको इस पेपर को पूरा यही से याद कर लेना है। पहला आपका देख लीजिए, बल्ब का गलनांक खाली स्थान केल्विन होता है, तो इसको तो लगा लीजिए। पहले में आपका आ जाएगा 273 केल्विन। और तीसरा देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा आपका दिया है, दूध एक खाली स्थान विलयन है, तो इसमें आपका आ जाएगा कोलाइड लिख लीजिए, ठीक है, तो कोलाइड इसमें आपका राइट उत्तर आ जाएगा दूसरे खाली स्थान में। अब आपका तीसरा खाली स्थान देख लीजिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र खाली स्थान होता है, तो इसको तो लगा लीजिए। तीसरे खाली स्थान में आपका आ जाएगा AlCl3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर चौथा खाली स्थान देख लीजिए, एक न्यूट्रॉन में खाली स्थान आवेश होता है, तो कितना आवेश होता है, तो इसको तो लगा लीजिए। चौथे में आपका हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका पांचवा खाली स्थान पूछा है, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थिति ऊर्जा खाली स्थान होती है, तो कैसे होती है आपको बताना है, तो यहाँ पर पाँच को उत्तर लगाए, पाँचवा आपका आ जाएगा स्थिर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका छठे पर खाली स्थान पूछा है, जो छठे खाली स्थान का उत्तर लगा, छठे खाली स्थान में आपका आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका सातवां खाली स्थान पूछा है, ध्वनि तरंगे खाली स्थान तरंग होती है, तो कैसी तरंग होती है आपको बताना है, इसका उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा अनुदैर्ध्य, यहाँ पर उत्तर लगा लीजिए, अनुदैर्ध्य यांत्रिक आ जाएगा, ठीक है, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपके यहाँ पर सातवें खाली स्थान में। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, यहाँ पर पहला में आपका 273 आ जाएगा, ठीक है, आपको इनका आंसर लगा लेना अच्छे से और याद कर लेना है।
उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन तीन में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 8 नंबर की सही जोड़ी आने वाली है, तो यहाँ पर फटाफट यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। मैं आपको सही जोड़ी का मिलान भी बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। तो आपका जो पहला आपका पूछा है, टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है, तो टिंडल प्रभाव होता है यहाँ पर कोलाइडल विलयन के कारण होता है। कैल्शियम एवं आर्गन कैसा होता है, तो संबारिक होते ओ काला जाल में आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा लेशमानिया आ जाएगा, ओ लाइसोसोम में आप लगा लीजिए, इसमें आपका आ जाएगा आत्मघाती थैले आ जाएंगे। तंत्रिका उत्तक में आप लगा लीजिए, इसमें आपका न्यूरॉन आ जाएंगे, ओ बाहर का ऐसे मात लगा लीजिए किलोग्राम आ जाएंगे, वर्मी कंपोस्ट में आपका यहाँ पर आ जाएगा केचू आ जाएगा, और पादप जगत का ओवेचर में हम यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर ब्रायोफिटा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। आपको कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान करना है, आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला आपका देख लीजिए, जल का क्वथनांक कितना होता है, तो इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दूसरा आपका देख लीजिए, मिश्र धातु पीतल के घटकों के आपको नाम लिखना है, तो पीत से मतलब हो जाएगा आपका पहला तो आपका तांबा हो जाएगा, ठीक है, वो दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर जस्ता हो जाएगा, ठीक है, दोनों के मिश्रण से यहाँ पर पीतल बनती है। अब तीसरा देख लीजिए, IUPAC का पूरा नाम आपको लिखना है, IUPAC का आपको पूरा नाम लिखना है, ठीक है, तो इसको तो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका चौथा बार क्वेश्चन देख लीजिए, DNA का आपको पूरा नाम लिखना है, तो DNA का पूरा नाम लिख लीजिए, डीऑक्सी यहाँ पर लिख लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लगा लीजिए इसका उत्तर, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल आ जाएगा। अब आपका पांचवा देख लीजिए, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है, तो एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है आपको बताना है, इसका उत्तर लगा लीजिए, पांचवें आपका आ जाएगा चली गई दूरी नापता है, ठीक है, तो चली गई दूरी आ जाएगा इसमें पांचवें क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका छठा क्वेश्चन पूछा है, मुक्त पतन के समय त्वरण कितना होता है, तो मुक्त पतन के समय त्वरण कितना होता है आपको बताना है, तो इसको तो लगा लीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए सातवें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए आपको सूत्र लिखना है, तो गतिज ऊर्जा के सूत्र क्या होता है, तो ये इसका उत्तर लगा लीजिए KE बराबर होता है हमारा 1/2 m/v² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका जो स्टूडेंट अभी इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर 2-2 नंबर क्वेश्चन पर, फटाफट इस पेपर को याद कर लीजिए। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, इसको तो आपको मिल जाएगा इस वीडियो को लास्ट में। छठे का उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो को लास्ट में, सातवें का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सातवें के बाद यहाँ पर देख लीजिए आठवें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन को अच्छे समझ लेना है। नौवें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, दसवें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, 11वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। 11 के बाद यहाँ पर देख लीजिए 12वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, 13वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, 14वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको अच्छे से मिल जाएगा, और यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, 17वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, 18वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, 19वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 20वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। 20वें के बाद आप 21 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर 22 क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिए, मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ पूरा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको सही विकल्प को चयन करने के लिए बोला गया था, इनके आंसर आप लगा लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्वेश्चन 2 का उत्तर हो जाएगा आपका, खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, इनका उत्तर आप लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्वेश्चन 3 का उत्तर आपको हो जाएगा, क्वेश्चन 3 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन 4 का आपको उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन 4 के बाद यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा 5वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। और ये हमारा 6वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा जिसमें आपको धातु और अधातु में अंतर लिखने के लिए बोला गया था। ये हमारा 7वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, 7वें के बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए जिसमें आपको न्यूरॉन्स की संरचना बनाने के लिए बोला गया था, इसको बना बना कर देख लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए हमारा यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। 8वें के बाद आपका 9वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, यह हमारा 9वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 9वें के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा 11वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, 11वें के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा 12वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, 13वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, 13वें के बाद यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, 14 के बाद यहाँ पर 15 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, 15 के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारा 16 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, 16 के बाद यहाँ पर 17 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, 17 के बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है, 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया हुआ है। अब आपके दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन छूट गए, ठीक है, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन,
21 क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पर 22 क्वेश्चन, इनको तो आप फटाफट देख लेना, आपकी किताब से याद कर लेना इस पेपर को। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।